every day, late at night, not okay. Good morning everyone, welcome back to my channel. This is Aishir and I hope you all are doing great. अभी जस्ट मैं उठी हूँ क्योंकि आज है नवरात्रि. सबको हैप्पी नवरात्रा. ये रहा मेरा बेड, बिल्कुल अच्छे से क्लीन है, नीट है. नीचे ये कारपेट लगा हुआ है. और आज नवरात्रि है तो काम मैं थोड़ा लेट स्टार्ट करूँगी क्योंकि पहले अभी नहाऊँगी, नहाने के बाद थोड़ा पूजा कर लूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करते. वैसे लेट होगा नहीं क्योंकि मैं 8 बजे उठ गई हूँ तो सही से काम हो जाएगा. चलो पहले बाइक की आवाज़ आने लगी, यही होता है यहाँ पे. और मंदिर की भी सफाई कर दूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे भी डस्ट सा हो गया है तो सफाई वगैरह कर दूँ, फिर जोत जला लूँ, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं. पूजा वगैरह कर लिया मैंने, अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने. कितना बच्चा रो रहा है ऊपर, बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, कब से आ रही है. तो अभी जा रही हूँ नाश्ता में, वही चाय और पराठा खाऊंगी, उसके बाद काम पे लगते हैं. पराठा रेडी है, चाय में देखो कितना गरम गरम सा धुआं आ रहा है, बहुत टेस्टी बनाया मैंने. इसमें अदरक भी डाला है, इलायची भी डाली है और पराठा है एज इट इज जैसे मैं बना कर लिया मैंने. लैपटॉप अब ऑन करते अभी टाइम लगेगा. और ये है मेरा पढ़ने वाला बुक्स कॉपी, जब टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगी. वहाँ गिर गया ऊपर से, पता नहीं इसका हालत क्या हुआ होगा. ठीक है, गुड. तो काम स्टार्ट करते हैं. आज हो गए 9:30, 9 बजे से स्टार्ट करना होता है, बट कोई बात नहीं, फर्क इतना कुछ नहीं है. लेट तक करूँगी, थोड़ा सा हाफ एन आवर एक्सटेंड हो जाएगा बस. और मेरे पेपर भी आने वाले हैं क्योंकि कल भी व्लॉगिंग नहीं की थी, शायद परसों भी मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था क्योंकि व्लॉगिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट एडिटिंग ज़रूर कर रही हूँ मैं क्योंकि सोने के पहले एडिटिंग करके ही सोती हूँ, वरना मुझे नींद नहीं आती. तो देखो तैयारी कर रहे हैं, आगे क्या होता है क्या नहीं हो तो पता नहीं. कॉल आया, उसका कोई ट्राउजर एक्सचेंज करना है. चलो आज लेट होना ही होना है, फिर से कॉल कर रहे हैं. एक मिनट तो दिख ही नहीं रहा कहाँ रिटर्न लेने वाला आया है. नीचे जाना पड़ेगा इसके कारण, यार ये झूठ बोलता है कि आ गया है. कुछ देर पहले काम खत्म हुआ और मैं इतना अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, मैंने कुर्ती पहन लिया था और लेगे तो बैठ के काम करने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था. तो मैं जैसे मतलब बीच में उठ के मैं कपड़ा चेंज किया, पोनी की, उसके बाद काम स्टार्ट की. तो जो अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ पवन ने क्या मंगाया है, ये है इसका, देखते कैसा मंगाया है. तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं. मुझे अनबॉक्सिंग करना बहुत पसंद है, चाहे वो सामान किसी का भी आता हो. इतना देर वेट की वही काफ़ी था क्योंकि मैं काम में लगी पड़ी थी, ला के बस ऐसे मैंने रख दिया था. अनबॉक्सिंग करते हैं भाई, उसे रिटर्न भी करना होता है, ढंग से फाड़ूंगी वरना उसको कोई कपड़ा ढीला आता है तो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है. कट करना पड़ेगा, कट करके आते हैं. हाँ सुन नहीं होगा, दांत से कर गया. दांत से भी नहीं हो रहा है, काट कर आती. तो ये है सीजर, मैं सोची दांत से हो जाएगा. इसकी पैकिंग काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा पैकिंग है, ज़्यादा नहीं मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग है कह सकती हूँ. टंटड़ा क्या है अंदर, काला कलर, ये भी काला है, काला काला मंगाता है. ये है काला कलर का ट्राउजर. इसके पहले इसमें ग्रीन मंगाया था जब उसे गांव जाना था, तो उसमें छोटा साइज आया तो गांव जा रहा था. मैं बोली एक बार अंकु से पूछ ले कि शायद उसे आएगा या नहीं आएगा, लेकर गया अंकु को बस दे दो, वो कहता नहीं नहीं मुझे आ जाएगा, तो वो रख लिया अंकु ग्रीन. इसमें सेम ग्रीन, तो अपने लिए ब्लैक मंगवाया है. अच्छा है, ये देखो इस टाइप का है. ये कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसे कपड़े वाले मतलब क्या बोल रही हूँ, ऐसे कपड़े वाले जिसमें इस टाइप का कपड़ा होता है ना वो फटता नहीं है. वरना इसके हर एक ट्राउजर पीछे से आगे से नीचे से थोड़ा थोड़ा मतलब कि धोते धोते वॉशिंग मशीन में फट जाता है, बट ये नहीं फटेगा. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, कह रहा था. अच्छा मेरा भी सामान है, मैं आज तो अनबॉक्सिंग नहीं करूँगी, कल के व्लॉग या परसों जब भी व्लॉगिंग करूँगी तो अनबॉक्सिंग करके ज़रूर दिखाऊंगी. वैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिया है, ये थोड़ा बहुत मतलब खाना तो बना हुआ है, चावल बनाना होता है क्योंकि पवन कॉलेज गया है, कब आएगा पता नहीं, कभी जल्दी कभी लेट आता है. तब जा रहे
चावल बनाने, सब्जी गरम करने, और उसके बाद आज तो नहाना नहीं है क्योंकि मैं आज नहा वहा के बैठी हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। तो कुछ शॉर्ट्स या नहीं, अभी शॉर्ट्स वीडियो नहीं, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं ना। मोम ख़त्म हो गया, मुझे भूख लग रही है तो मैं खा रही हूँ कढ़ी चावल। कढ़ी कितनी टेस्टी लग रही है, बिना लहसुन प्याज का है क्योंकि नवरात्र स्टार्ट है तो मैं बिना लहसुन प्याज का बनवाई हूँ, और खाकर भी देखी हूँ सच में टेस्टी है। और ये चावल इसमें निकालते हैं, नहीं सॉफ्ट वाला बड़ा होता है ना वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, मतलब कि ये सॉफ्ट है। मैं ऐसा बताती हूँ कि ये सॉफ्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ा है वो सॉफ्ट है, बाकी पता नहीं। चलो अब खाना खाते हैं। मैं जा रही हूँ अब ट्यूशन पढ़ाने, कपड़े फिर से चेंज किया, दिन में 3 कपड़े चेंज हो गए क्योंकि वो नाइट ड्रेस था तो वो मैं पहनती। मैंने ये जीन्स टॉप स्लाइड्स, वैसे बाहर मेरा अलग स्लाइड्स है, तो मैं रेडी हूँ जाने के लिए। आज थोड़ा सा मेरा मिरर लग रहा है कि साफ, वैसे हमेशा गंदा ही रहता है। और इधर देखो कपड़े खोल खोल के फेंके हुए जो पड़ रही थी वो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको भी आके पहनना है ना, इसलिए कितनी बार फोल्ड करूँगी। साफ सफाई हो गया है, किचन की भी सफाई हो गई है। जो कि सिर्फ नवरात्रि में मिलता है, एक इसे मिला है। कौन सा आते मेरा, ये खाने वाले में नहीं है। सही तो है फिर, सही है, सही नहीं है, वो बड़ा वाला है लड्डू, ये छोटा वाला सही रहता है ना, ये देखो बड़ा लड्डू है। अरे वो हाथ नहीं है, प्रसाद खा रही है, खाना खा रही है, मैं अभी ले ले रही हूँ साथ में। नहीं नहीं ये सही। मैं अभी जस्ट मामी के घर से रूम पे आई हूँ, बनाने वाली आंटी खाना बना के चली गई हैं। इसमें है आलू और पत्ता गोभी की भुजिया, इसमें रोटी और पराठा, लच्छा पराठा, इसमें क्या है, ये तो चावल बचा हुआ है, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी कढ़ी बची हुई है, कढ़ी सच में काफ़ी अच्छा था। इसमें क्या है, और इसमें दाल है, बंद हो गया भाई, एक हाथ से इसे बंद करना मुश्किल है, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी जब डर से एक बार में बंद हो गया, वरना पता था मैं थप्पड़ लगाती। अवन सेम एज इट इज गया है, और मैं चली अपना पढ़ाई करने क्योंकि अब मैं 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। चलो अब ये चश्मा लगा के पढ़ूँगी, आज लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छा है चश्मा, ये किसी को पसंद नहीं आ रहा, मैं खुद ही यूज़ करूँगी। ये देखो क्या चश्मा है भाई, ऐसे दिख रहा है, इस पर दिखेगा, देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है, ब्राउन कलर का चश्मा है। कहीं घूमने जाना ही नहीं होता, घूमने जाऊँगी फिर लगा कर जाऊँगी इसे। मैं क्या करती हूँ, पढ़ाई करने बैठी हूँ, मुश्किल से मैं हाफ एन आवर पढ़ती हूँ, मतलब कि बिना फ़ोन लिए, फ़ोन लेती हूँ फिर हाफ एन आवर पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद फ़ोन चलाती हूँ, फिर हाफ एन आवर पढ़ती हूँ, फ़ोन चलाती, मतलब कि अब ऐसा हो गया कि कुछ दिमाग फ़ोन में रहता है, कुछ दिमाग पढ़ाई में, मतलब अच्छे से लग ही नहीं रहा इस दिमाग का, क्या करूँ मैं, कहता है वीडियो एडिट करो। 3 घंटा मैं बैठूँगी ना वो भी इंक्लूड कर देती हूँ, जो 2-2 मिनट का मैं फ़ोन चलाती हूँ उसी में इंक्लूड हो जाता है मेरा। शायद पवन आ रहा है।